अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अबास यूसुफ और आप देख रहे हैं अबास गार्डनिंग। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बताऊंगा अंगूर की बेल, अंगूर की वाइन, जिसको इंग्लिश में वाइन कहते हैं और उर्दू में बेल कहते हैं। आज मैं बताऊंगा अंगूर की बेल के बारे में कि अंगूर की बेल की हिफाजत कैसे की जाए और इसकी ग्रोइंग कैसे की जाए, और ख़ास तौर पर गर्मियों में इसकी हिफाजत कैसे की जाए। ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में अंगूर की बेल जो होती है वो जल जाती है, इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता जर्द हो जाते हैं, एक एक साइड से जर्द होना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फैलते रहते हैं। फैलते फैलते इसका पूरा जो पत्ता होता है वो जर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे कैसे बचें और इसकी कैसे हिफाजत करें, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अंगूर की बेल जो होती है इसको ज़्यादा आपने धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखना है। सुबह की तकरीबन 1 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है इसको, अंगूर की बेल को। ज़्यादा धूप में आपने नहीं रखना, अगर ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा ऐसा जर्द होकर जल जाएंगे और गिर जाएंगे, ख़राब हो जाएगी आपकी अंगूर की बेल, बहुत अच्छे से ग्रो भी नहीं कर सकेगी। अंगूर की बेल को मैंने पहले छोटे गमले में लगाया हुआ था, 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ था। तो पहले वो मैंने इसको 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ था, अब मैंने इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। बड़े गमले में शिफ्ट करने के बाद इसकी ग्रो बहुत अच्छे से हो रही है, इसकी ग्रोइंग बहुत अच्छे से हो रही है और ये आगे से ब्रांचेज निकालना शुरू कर दी हैं। इसने दो तरफ से इसने ब्रांचेज निकालना शुरू कर दी हैं, एक बेल उस तरफ जा रही है जिसको मैंने धागे की मदद से बांध दिया है, और एक बेल इस तरफ आ रही है जो ये भी बढ़ रही है। तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उधर से देख सकते हैं मैंने उसके पत्ते जो हैं काट दिए थे ताकि इसकी ग्रो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके। उधर से उसके नए पत्ते जो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की आप टिप्स पर अमल करें और आपकी अंगूर की बेल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और बहुत बड़ी हो जाएगी, और कुछ दिनों बाद इसको अंगूर भी लग जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।